हेलो गाइस, आज मैं आपको प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर नेपे के लिए निकाल देंगे। इसके बाद प्लाजो की लेंथ लेंगे। प्लाजो हमें चाहिए 38 इंच। तो 2 इंच छोड़ने के बाद हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए इस तरह से। तो 39.5 इंच पे निशान लगाना है यहाँ से 2 इंच छोड़ने के बाद। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। प्लाजो का आसन हमें बड़ा रखना है तो हम यहाँ पे 12 इंच ले रहे हैं इस तरह से। और हमें यहाँ की चौड़ाई, अगर हमारी हिप साइज 40 इंच और 44 का हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 10 इंच, 10 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच प्लस इस तरह से। 2 इंच के बाद हम 2.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस तरह से और यहाँ हमें एक गोलाई शेप दे देनी है इस तरह से। इस तरह से लेकिन इंची टेप को हम एक बार वापस रखेंगे यानी 15 इंच आ रहा है तो हम नीचे की साइड भी 15 इंच ही लेंगे इस तरह से और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच पे और निशान लगाएंगे या नीचे की साइड प्लाजो का शेप देने के लिए और इस निशान को इस निशान से मिलाना है तिरछे साइड में इस तरह से। अब हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो मैं बताऊंगी आपको कि इसको किस तरह से सिलना है। तो चलिए अब हम प्लाजो की सिलाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्लाजो सिलने में सबसे पहले हमें आसन जॉइंट करने होते हैं। प्लाजो में दोनों साइड हमें आसन जॉइंट कर लेंगे सबसे पहले। इस तरह से दोनों साइड के आसन जॉइंट करने के बाद हमें नेपे को फोल्ड करना है। इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह फोल्ड करके इस तरह पूरे चारों ओर तक हमें सिलाई लगानी है। और नेपे को फोल्ड करने के लिए हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ ही एंड करना है क्योंकि यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे। इस तरह प्लाजो के नेपे को ऊपर की फोल्ड करने के बाद हमें प्लाजो के जो मोरी है नीचे की साइड उसको फोल्ड करना है हमें। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, हमें इतना ही लेना है इसको। इस तरह प्लाजो के नीचे की मोरी को दो फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह करने हैं मोरी को। और यहाँ हमें सिलाई लगानी है दूसरी मोरी तक, यहाँ तक। आप देख सकते हैं हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है और प्लाजो भी बन के रेडी हो गए। तो हम इसको सीधी साइड करके बताऊंगी मैं आपको। हेलो गाइस, अब आप देख सकते हैं हमारा प्लाजो बनके एकदम रेडी हो चुका है और नेपे में हमने नाड़ा डाल दिया तो इस तरह से सलवट आ चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।